सो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। मैं दियोदन अग्रवाल GCID की तरफ से एक नया प्रोडक्ट सीधे चाइना से आपके लिए लेके आया हूं। और ये पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, पहला वीडियो ये दियोदन अग्रवाल के चैनल पे होने वाला है। और ये आईसीयू की तरफ से आपको ये एक गजब की असेंबली है, H314 स्मार्ट। देखो हॉट एयर गन से पहले लिखा है स्मार्ट। हम इसका करने वाले हैं टोटली रिव्यू, चलाने वाले हैं, एक सीपीयू निकालने वाले हैं, टेक्निकल रिव्यू होने वाला है, कोई डेमो नहीं कि आपको सिर्फ दिखा दिया जाए। इसको चला के दिखाएंगे और हर एक फंक्शन को टेक्निकली बताएंगे। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट में कितना दम है। और ये प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है तो आप बाबा टूल पे जाइएगा। आपने बस गूगल में लिखना है बाबा टूल जेसी आईडी के सारे प्रोडक्ट का एक ऑथराइज डीलर है। आप उनसे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बाबा टूल में अलग अलग GCID और आईसून का बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इंडिया के अंदर अगर आपको ये परचेस करने हैं तो आप बाबा टूल को रिकमेंड मैं कर सकता हूँ GCID की तरफ से। चलो ये शुरू करते हैं ज्यादा ना बोलते हुए आर्टिकल। तो दोस्तों ये आईसून का अब तक का सबसे लेटेस्ट और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट SMD मैं कह सकता हूँ, स्मार्ट SMD है। ऐसा SMD मैंने अभी तक देखा नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप CPU पे काम करते हैं। ये IC मॉडिफाई एक SMD मैं कह सकता हूँ, उसके निकालने के लिए ही बनाया गया है। इसके अंदर इतने पैरामीटर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अब ऐसा वीडियो आपने पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ मुझे क्या क्या मिला है। तो पहले तो इसके साथ मुझे एक आईसून का एक मैनुअल आपको बार कोड मिला है, जिसको आप स्कैन करके आपका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ मुझे आईसून का QC एक पास सर्टिफिकेट मिला है। फिर इसके साथ मुझे एक अलग से ये चार आप देख सकते हैं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्प्रिंग लॉक है। स्प्रिंग लॉक होने की वजह से ये बहुत इजीली निकल जाता है और लग जाता है, मतलब इसको लगाना निकालना काफ़ी आसान है। क्या होता था कि पहले हमारे 861 या कोई भी SMD है उसमें एक बार ये लग जाए तो ये फंस जाता था, फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल होता था। पर यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि यहाँ पर 3D सेव और प्लस स्प्रिंग लॉक यहाँ पर यूज़ किया है। और जो बॉडी है वो मेटेलिक की यूज़ की गई है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसका हैंडल काफ़ी बेस्ट है बाकी SMD की तुलना में, ठीक है। और यहाँ पर जो नोजल आपको दिए जा रहे हैं, टोटल इसमें 8 नोजल आते हैं, पर यहाँ पर कंपनी अभी 4 नोजल आपको दे रही है। ये स्ट्रेट नोजल है, इसके साथ इसमें बैंड नोजल भी मिलते हैं L शेप में। तो यहाँ पर ये है आपका 12 mm का, ये आपका 10 mm का, ये आपका 8 mm का और ये आपका 6 mm का। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको रखने के लिए स्टोरेज बॉक्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आप इस तरह का स्टोरेज बॉक्स मिलता है जो हमने यहाँ पर LNG के थ्रू लगाया है। आप इसको चाहें तो आप इसको दूसरी साइड भी लगा सकते हैं, दोनों साइड। तो हमने यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग की है तो आप भी अपनी यहाँ पर ब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर भी स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। और आप चाहें तो 2 नोजल को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। अब आपको जैसे यूज़ करना है तो नॉर्मली आपको सिर्फ इसमें डाला और ये कनेक्ट हो गया, और आपको निकालना है तो आप यहाँ और हल्का सा पुश करेंगे आप यहाँ पर, सिर्फ आपने ये दोनों को हल्का सा पुश करना है, ठीक है। और ये पीछे आपके स्टोरेज बॉक्स में चला गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अगर मैं इस मशीन के बारे में बात करूं, इस मशीन में चारों तरफ का थोड़ा सा आपको एरिया समझाऊं कि इस मशीन में कौन कौन से बटन और क्या क्या दिया हुआ है। तो ये तो आपने समझ लिया, ये काफ़ी हैवी मटेरियल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे भी आपको जो पैड है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये आपका स्लिप नहीं होता है, एक रबर यहाँ पर महसूस हो रहा है मुझे, ठीक है। ये जो मटेरियल है काफ़ी बढ़िया मटेरियल यूज़ किया गया है, और ये जो यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और ये जो रबर है ये इसकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, और वायर का जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जितनी लेंथ होनी चाहिए उतनी लेंथ यहाँ पर दी गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मैं इनको यहाँ लगा देता हूँ वापस मशीन में। आप देखें तो यहाँ पर आपको एक बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर दिख रहा है,
ठीक है। डिस्प्ले का साइज तकरीबन 3 इंच या उससे ऊपर का होगा। मैंने ये चेक किया नहीं है, इसको मैनुअल में पढ़ के मैं बता जरूर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, HD डिस्प्ले है। यहाँ पर M1, M2, M3 तो नॉर्मल आपको लग ही रहा होगा कि ये आपके मेमोरीज हैं, ये आपकी सेटिंग है, ये 2 वॉल्यूम है, ये आपकी पावर की है, ये आपका ये टाइप सी है ताकि हम इसको अपडेट कर सकें। और भी अलग अलग चीज़ों से हम इस टाइप सी का यूज़ करेंगे जो कि हम इसको बाद में बताएंगे। और ये फिंगरप्रिंट है जो कि हमने लाइव में अभी तक नहीं देखा होगा कि किसी SMD में फिंगरप्रिंट दिया है और उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 यूज़र को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कि मैंने बताया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर दिया है। यहाँ पर इसका आप हमारा ब्रांडिंग यूज़ किया है। आईसून ने इसके पीछे एक एंटीना लगाया है, इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ आपको एंटीना से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है। प्लस यहाँ पर आप अपना खुद का एक केबल लगा के इसको ग्राउंड कर सकते हैं ताकि इससे आपको कोई शॉक ना लगे, और जो इससे ESD प्रोटेक्शन आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पावर केबल को लगाएंगे और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इसके कुछ डिटेलिंग और आपको मिलने वाली है। तो ये डिटेलिंग आपको मिलने वाली है, जैसे ये 230 वोल्टेज पे और 50 हर्ट्ज पे चलने वाली है। 100 से 500 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान, मतलब ये बेसिकली 100 से 500 डिग्री मैक्सिमम ये आपको हीटिंग देने वाली है। 1400 वाट की ये SMD होने वाली है। जो इसका हीटिंग एलिमेंट है वो लगभग 1400 वाट तक, मतलब इसका जो हीटिंग है काफ़ी बढ़िया है, और अब तक इतनी हीटिंग मैंने कम ही SMD में देखी है। हो सकता है ना के बराबर, क्योंकि ज़्यादातर SMD 1000 वाट की देखी है, ये SMD 1400 वाट की है, जो कि एक काबिले तारीफ है। और यहाँ पर आप इसके अलावा नीचे भी देख सकते हैं जो एयर वैल्यूम गियर है वो 150 तक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके साथ में कुछ वार्निंग लिखी है जिसके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब तो दिखने में ये मशीन काफ़ी अच्छी है। अब हम इसको ऑन करेंगे केबल का, केबल लगा के को केबल लगाने पर, क्योंकि हमारा पावर बटन दबा था तो ये पहले से ऑन थी, तो हम इसको पहले ऑफ करते हैं और आपके सामने ऑन करेंगे कि कितने सेकेंड में ये बूट करेगी। तो जैसे हम इसको बटन दबाएंगे तो कुछ सेकंड के अंदर, लगभग 10 से 12 सेकंड के अंदर ये बूट कर देती है। तो पहले तो ये अपना लोगो देती है, आईसून का इंटेलिजेंट पावर सप्लाई। तो ये स्मार्ट नहीं है, ये इंटेलिजेंट है। एक होता है स्मार्ट, ये है इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो आप देखो तो अभी लॉक का साइन आ रहा है, तो अभी कुछ भी होगा नहीं, आप नोटिस करो। क्यों? क्योंकि ये SMD लॉक है। तो सबसे खास बात इसकी ये है कि ये SMD पूरी तरीके से लॉक है, मतलब आप इसको बिंदास ऑन करके छोड़ सकते हैं और आपकी दुकान में कोई भी इसको यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक आप अपनी फिंगरप्रिंट को टच नहीं करेंगे। तो देखिए सिर्फ 3 सेकंड लगे होंगे, ये मेरा ऑन हो चुका है। अब यहाँ से ये बकायदा आप देखिए तो ये मेरी जो SMD है वो पूरी तरीके से ऑन हो चुकी है और ये काम करने के लिए तैयार है। अभी मेरी SMD चाइनीज़ वर्ड दिखा रही है, लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं अपनी SMD के लैंग्वेज को चेंज करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेटिंग पे जाऊँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप खरीदेंगे तो आपको भी आएगा। आपको सेटिंग एक बार नहीं दबाना, आपको लॉन्ग प्रेस दबाना है। अब आपको ये जो गियर आइकन है ग्रीन कलर का, इसको प्रेस करना है। तो आप इसको प्रेस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपको पहला ही जो ऑप्शन है वो इंग्लिश का मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको फिर से इसको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए अब ये पूरा इंग्लिश में हो चुका है। अब हम इसको बैक कर लेंगे। तो अब देखिए कि आपका सारा जो फंक्शन है वो इंग्लिश में हो चुका है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका बाकी का काम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बाहर ही बाहर बताऊं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि इस मशीन में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं बताने पर आऊँ तो मुझे पूरा दिन लग सकता है। पर मैं फिर भी होगा कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ बताऊँ, टेक्निकली आपको सही बताऊँ, ताकि आपको मज़ा आए और इस मशीन को ख़रीदने के लिए आप मतलब उत्साहित हो जाएँ, एक्साइट हो जाएँ, एक्साइटमेंट आपके अंदर आ जाए। ये रिव्यू नहीं है, ये दिल से दिया रिव्यू है। और दोस्तों मैं रिव्यू कोई पैसों के लिए नहीं देता। मुझे गैजेट पसंद है एंड आई लव गैजेट एंड वर्किंग। मैं इतना खुश होता हूँ कि आई एम वर्किंग वेरी हैप्पी विद दिस गैजेट, कि जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आपने मेरी लैब देखी होगी, मेरे पास दुनिया की हर तरह की SMD है, वर्ल्ड में आने वाली हर तरह की SMD मैं यूज़ कर रहा हूँ। इवन मैंने JBC भी यूज़ की है, जो कि 2.5 से 3 लाख रुपये की है। बट मैं इस SMD का अभी आप कह सकते हैं कि नया नया प्यार है और ये बहुत अच्छी है। और अगर मैं इसको 10 out of 10 दूँ तो ये गलत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो नॉर्मल, आपको पहले इसका नॉर्मल मोड पर लाने के लिए सेटिंग को फिर से दबाना पड़ेगा और आपको इसको नॉर्मल मोड पर लाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 मोड आपको दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड,
ये आपका स्टैंडर्ड मोड है, ये आपका जेंटल कनेक्टर मोड है और ये आपका टर्बो मोड है। तो जो आपका ग्रीन कलर का जो मोड है, जिसमें ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, जनरली ये मोड स्पेशली डिज़ाइन किया है इस तरह के कनेक्टर्स को निकालने के लिए जो फ्लेक्स केबल पे होते हैं। फिर जो आपका ऑरेंज कलर का मोड है वो आपके जनरली नॉन पेस्टेड आईसी को निकालने के लिए है, और जो आपका टर्बो मोड है वो आपकी पेस्टेड ग्लू चिप को निकालने के लिए है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने अपनी हीट को किया है 350 और यहाँ पर मैंने इसको किया है 40, तो इतना मैंने यहाँ पर सेट किया है। जितना भी आप सेट करेंगे आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा ये मैनुअल। अब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपका 350 और ये आपका M1 में, ये सॉरी मैंने ये मुझे ये प्रेस करना था तो मैं फिर से करूँगा। मैंने क्या बोला कि नोटिस कीजिएगा, तो हम फिर से इसको थोड़ा सा स्टैंड बाय मोड पे आ जाने देते हैं। मुझे M1 प्रेस करना था, मैंने ये प्रेस किया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कितना 350 लिया, ठीक है, और जो यहाँ पर आप देखिए 345 और ये 50। अब मैं इसको M1, तो ये क्या होगा, ये मेरे M1 पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मैं M1 को क्लिक करूँगा तो मेरा 345 और 50 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये तो एक हो गया। इस तरह से आप 3 M1, M2, M3 सेट कर सकते हैं, टर्बो मोड पे, स्टैंडर्ड मोड पे और जेंटल कनेक्टर मोड पे। क्लियर है ये पॉइंट? अब अगर हम इसका यूज़ एक तरह से एक और कर सकते हैं, जैसे फोर्स मोड यूज़ कहते हैं कि मुझे ये जो मैग्नेटिक है, एक्चुअली ये जो सेंस ले रहा है ये एक मैग्नेटिक सेंस ले रहा है, अगर हम चाहें तो उसको इसमें भी ऑन कर सकते हैं। जैसे तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो आप नोटिस करो, अब यहाँ पे लिखा है फोर्स वर्किंग मोड, मतलब स्टैंड बाय मोड पे भी ये काम करना चालू कर दिया है और ये फोर्स वर्किंग मोड में आ चुका है। ठीक है, अब मैं रख दूँगा तो ये नॉर्मल स्टैंड बाय मोड में चले जाएगा। अगर हम मेन्यू की बात समझें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मॉडल का नंबर दिखाई दे रहा है, ये है 3H314। यहाँ यूज़र दिखाई दे रहे हैं, जो कि इसमें दो यूज़र हैं क्योंकि मैंने इसमें दो फिंगरप्रिंट यूज़ किए हैं, एक इस फिंगर का एक फिंगर का। स्टैंड बाय मोड पे बता रहा है क्योंकि अभी स्टैंड बाय मोड पे है, जैसे ही मैं इसको निकालूंगा तो ये रनिंग मोड पे आ जाएगा। और ये टोटल बूटिंग टाइम बता रहा है ऑन होने के बाद, अभी मुझे 5 मिनट हो गए हैं। ठीक है, आपको वीडियो देखने में भी शायद हो सकता है इससे ज़्यादा हो गए क्योंकि मैं इससे पहले का भी वीडियो शूट कर चुका हूँ। ये वर्जन है, ये वाईफाई बता रहा है, अभी डिसेबल है, ये ब्लूटूथ है और ये साउंड है। ये जो ब्लू है ये एयर है, ये डिग्री सेल्सियस मतलब आपका तापमान बता रहा है, और जो रेड है वो आपका हीटिंग है। ये जो यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं ये मैनुअली जो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे वो यहाँ पर सबसे पहले सेट होंगे, और जो नीचे दिखाई दे रहे हैं वो आपके स्टोरेज हैं प्री सेट, जो आप यहाँ से इसको स्टोर करते हैं, ये आपकी सेटिंग है। तो ये आपका टोटल इतना डिस्प्ले है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, दूर से दिखाई देता है, विजिबल है और काफ़ी अच्छे कलर्स इसमें दिए गए हैं। इसमें एक दूसरी एक खास बात है कि जैसे जब भी हम CPU लगाते हैं या IC निकालते हैं तो हम अपने फ़ैन को यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें खुद का फ़ैन दिया है तो आपको सिर्फ इसको लॉन्ग बार, एक बार सिर्फ लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, ये देखिए। तो इसके अंदर खुद का फ़ैन है, हम खुद का फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। ये जो हीटिंग है ये 0 आ जाएगी और फ़ैन चलेगा, इस फ़ैन को भी हम बढ़ा सकते हैं और हम इसको उसकी मैक्सिमम लिमिट तक 150 तक ले जा सकते हैं, ये देखिए। तो जिससे आपका जो पूरा एरिया है CPU वो ठंडा हो जाएगा। बहुत प्यारी चीज़ है यार, ले लो, बिलीव मी। और अगर आपको इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, दोस्तों बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी सोच रखना पड़ता है, बड़ी सोच वही रख सकता है जो जिसमें बड़ा जिगर हो। तो अगर आपके पास फंडिंग अच्छी है, आपके चाचा मामा ताऊ अच्छा पैसा जमा करके आपको दे रहे हैं, तो आप आईसीयू वालों से कांटेक्ट करो। आपको किसी दिल्ली वालों से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इनके दिए गए नंबर पे जो कि मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका नंबर मिल जाएगा, जाओ व्हाट्सअप करो, सीधे इनसे पूरी इंडिया की फ्रेंचाइजी लो, आपके स्टेट की फ्रेंचाइजी लो और डायरेक्ट परचेस करो और अच्छे दाम में इसको बेचो। तो रीसेलर बनना है या कुछ भी बनना है आप बन सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये मशीन आग लगा देगी मार्केट में,
दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मशीन इन इंडिया आई गेस आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ मशीन SMD एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस मशीन रैपिडली एंड डेली फॉर माई यूजेस जो भी मेरा CPU वर्क है. अभी आप देखेंगे मेरे कितने सारे जो आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो इसी मशीन से मैं शूट करने वाला हूँ. दिस इज़ द वर्ल्ड बेस्ट मशीन एंड आप फिर से मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द वर्ल्ड बेस्ट मशीन. ओके, और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये एक फ्री फोकट का वीडियो है. सो प्लीज़ डोंट अंडरस्टिमेट कि मुझे पेड वीडियो दिया है तो ये है वो है. नहीं, जस्ट बिकॉज आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ GCID ऐसा भी नहीं कि मैं इसको कर रहा हूँ. वही वाकई में एक मस्त चीज़ है, आप इसको यूज़ करना, ठीक है. अब इसका दाम कितना है क्या है तो आप कंपनी वालों से डायरेक्ट पूछना या जो इंडिया में डीलर या सेलर बेच रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं. अब इसके अलावा ये तो मैंने आपको बाहर बाहर का आइटम बताया, ये आपका पावर की, ये आपका फिंगरप्रिंट लॉक, ठीक है. तो ये देखिए फिंगरप्रिंट लॉक, ये टच किया और यहाँ पर मुझे फिंगरप्रिंट लॉक बता रहा है कि दो यूज़र यहाँ पर हो गए. यहाँ से हम यूज़र भी चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये देखिए अब ये यूज़र वन आ चुका है, तो जो भी जो सेटिंग होगी अब वो यूज़र वन के हिसाब से चलेगी. तो इसके अंदर टोटल 27 चैनल है मेरे भाई, सिर्फ 3 स्टोरेज नहीं है, तो अलग अलग है. जैसे आप देखिए यहाँ पर 360 और 35 है. अगर मैं इसको यूज़र 2 में कर दूँ ये देखिए, अब इसका यूज़र 2 के अंदर जो स्टोरेज होगी कैपेसिटी सब अलग है जो यूज़र 2 ने सेलेक्ट की है. अब इसके बाद हम यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, मोड बता दिया, सारी चीज़ बता दी, अब मैं इसके बाद इसकी सेटिंग बताऊँगा. सेटिंग से पहले मैं आपको बताऊँगा इसमें एक आपको यहाँ पर एक कर्व डिस्प्ले भी दिया है, जिसमें आप तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर दी गई है. तो यहाँ पर रेड कलर आपको दिया है हीटिंग, ब्लू कलर दिया है एयर, और ये जो नीचे चल रहा है ये आपका टाइम है, ये है सेकेंड में. तो जैसे आप मशीन को उठाते हैं और मशीन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको कर्व फ्लो देखने को मिलेगा, जिससे आप कर्व मॉनिटरिंग कर सकते हैं. अब रियल टाइम को देख सकते हैं कि कितने टाइम पे आपका एक्चुअल में हीट यहाँ पर डिसिपेट हो रहा है, मतलब निकल रहा है. आपको पता चलेगा कि मेरा जो हीट है वो वाकई में यूजेस कितना हो रहा है. ये जैसे हमारे CPU की मॉनिटरिंग होती है वैसे ही आपको यहाँ पर मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी कि वो अपना कितना पूरा IC का दम लगा रहा है. अभी आप देखो तो ये 30% ही यूज़ हो रहा है, और कितना टाइम लगा उसको अपनी हीटिंग के आने पर. तो आप यहाँ से टाइम भी चेक कर सकते हैं कि लगभग इससे लेकर इसके बीच में जितने भी आपके सेकेंड हैं इतने सेकेंड यहाँ पर यूज़ किए. अब ये कंसिस्टेंटली ये सीधा चल रहा है, तो ये इसका मतलब है कि अपनी हीट को बाकायदा बनाए रखा है. जनरली क्या होता है कि हीट कम ज़्यादा हो सकती है, या हीट के जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होने की वजह से आपका IC आपका जो CPU है वो टेम्पर हो सकता है. तो आप देखो तो यहाँ पे आपको अभी CD लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब मेरा जो हीटिंग है वो अभी बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, मतलब जो मैंने है बना के रखा वही चल रहा है, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी बात है. और यहाँ पर हीट को फ़ारेनहाइट से और ये सेल्सियस दो अलग अलग चीज़ है, आप इसको यहाँ पर मेजर कर सकते हैं. यहाँ पर 345 डिग्री सेल्सियस है और ये आपका एयर है जो कि विंड, W मतलब विंड होता है. अब हम इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो इसका डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह से क्लिक करेंगे तो इसका कर्व फॉर्म में आ जाएगा. सो आई गेस आप ये चीज समझ गए होंगे. तो चलिए बाहर की सारी बातें हो गई हैं, अब सेटिंग की बात करेंगे. सेटिंग को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ आइकन मिलेंगे, यहाँ से M1 से लास्ट, M2 से नेक्स्ट, M3 से बाहर निकल सकते हैं, ऐसे ओके कर सकते हैं. यहाँ से भी हम घुमा सकते हैं. गियर आइकन है आपका सेटिंग ग्रीन, इसके अंदर आपको लैंग्वेज, साउंड लैंग्वेज यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, साउंड को आप बंद और ऑफ कर सकते हैं. स्लीप विंड बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये क्या है. तो जैसे मान लीजिए मुझे इसको 120 पे करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैक करना है, M3 दबाना है और बाहर आ जाना है, ठीक है. अब जैसे आप अपने मशीन को यूज़ कर रहे हैं और जैसे स्टैंड बाय मोड पर जाएंगे तो ये 120 पे आपका स्टैंड बाय मोड हो जाएगा. तो ये आप समझ गए होंगे. तो आप इसको 120 पे कर सकते हैं, 100 पे कर सकते हैं. अब इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसके बाद वाईफाई सेटिंग है. वाईफाई सेटिंग के लिए आपको इसे कंप्यूटर से एक बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और वाईफाई को सेटअप करना पड़ेगा. तो ये बहुत नॉर्मल है, इसके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे. फिंगरप्रिंट आपको ऐड करने पड़ेंगे, ऑलरेडी 2 हैं, ठीक है. जैसे मुझे ऐड करना है
तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फिंगरप्रिंट में जाऊँगा ये करके, अब ऐड फिंगरप्रिंट को क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा और यहाँ से मैं अपने फिंगरप्रिंट को ऐड करूँगा, ये देख रहे हैं आपको। तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो मैं इसको नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी डू हैं। तो फिंगरप्रिंट कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए हम अपने मशीन को बंद कर देते हैं, अब जैसे मशीन को हम ऑन करेंगे तो हमने जो दो फिंगरप्रिंट लगा के रखे हैं, जैसे आपकी दुकान पे तीन लोग काम कर रहे हैं, रामू सामू और मोनू, तो मोनू आया और मोनू ने अगर मशीन यूज़ करना चाहे तो वो अपने फिंगरप्रिंट को लगा कर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, यूज़र वन यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये देखिए। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैंने अपना दूसरा फिंगरप्रिंट लगाया यहाँ पर, ये देखिए यूज़र टू। तो अलग अलग यूज़र अपने अलग अलग फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेटिंग पर जाएंगे, अब इसमें थीम भी है, थीम के अंदर अगर आप लाइट मोड यूज़ करेंगे तो आपको शायद इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, तो आप इसको डार्क मोड यूज़ करें। डिवाइस इन में आपको क्या मिलने वाला है, डिवाइस इन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, डिवाइस नेम, मॉडल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीरियल नंबर, ये आपका अपडेट। तो ये आपको वाईफाई से एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ वो आपको बताएगा कि अपडेट है या नहीं है, और ये आपको मैन्युअली रीसेट करने के लिए ताकि आप इसको फैक्ट्री मोड पे ला सकें। अब ये इसके बाद पैरामीटर्स हो गए, तो पैरामीटर के अंदर यहाँ पे आपको पूरा सीपीयू निकालने से लेकर सीपीयू लगाने तक सारी आपको हीटिंग यहाँ पर बताई है। तो नो सीपीयू एडहेसिव, यहाँ पर आपको सीपीयू निकालने के लिए 360 डिग्री सेल्सियस, 35 एयर फ्लो, और यहाँ पे जो ये कलर है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके मोड है, ये आपका हाई है, स्टैंड है, और ये आपका सॉफ्ट मोड है, ये इंस्टॉल सीपीयू के लिए। तो ये पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है लॉन्ग प्रेस M1 से M2, जैसे मैंने इसको किया तो यहाँ पे पहले वो मोड बता रहा है कि मुझे इसको किस मोड पे रखना है, हाई मोड, तो यहाँ से बताया डाटा सेव टू टर्बो मोड, तो टर्बो मोड पे जाकर आप इससे डाटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद पैरा के बाद में सेगमेंट मोड में आपको यहाँ के अंदर भी आपको तीन मोड दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं फिलहाल M1 शॉर्टकट में यूज़ करूँगा। इसके अंदर आपको समझना ये है कि जनरली हम क्या करते हैं, जब हम CPU पर काम करते हैं तो हमें सिर्फ IC निकालना नहीं होता है, क्योंकि हम अगर एक 350 हीट को लेके काम करें या 370, तो हो सकता है हमारा बोर्ड टेम्पर हो, तो हम पहले 280, 300, 303 ऐसे करेंगे तो बोर्ड धीरे धीरे गर्म होगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। तो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं, जैसे आप पार्ट वन में आप देखिए ये 280 सेट है 20 और ये 40 सेकंड के लिए, उसके 40 सेकंड के बाद ये पार्ट टू में चले जाएगा, फिर अपना 30 सेकंड के बाद पार्ट थ्री में चले जाएगा, इस तरीके से। तो ये सेगमेंट मोड कैसे लाया जाता है इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये M1 में ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इसको दबाना है यहाँ पर, और ये सेगमेंट मोड आ गया, तो इस तरह का कर्व मिलेगा। अब आपको इसको ऑन करना है, ठीक है, तो आप देखिए ये अभी पार्ट वन में है और ये कर्व है, सॉरी हमें सेगमेंट मोड पे जाना है, ये आप 250 30 सेकंड के लिए, तो ये 250 30 है और ये आपका यहाँ पर सेकंड चल रहे हैं। तो फिलहाल तो ये कर्व है, हमें यूज़ करना है अपना, ये देखिए हमने M1 को क्लिक किया तो हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम इसको यूज़ करने के लिए M1 को क्लिक करेंगे और ये हमारे शॉर्टकट यहाँ पर हमारे सेट हो जाएंगे। सो देखिए ये सेगमेंट मोड आ चुका है पार्ट वन, अब देखिए 40 सेकंड यहाँ पर रनिंग चालू हो गए काउंटिंग, तो 40 सेकंड तक ये हीट इतनी और इतनी रहने वाली है एयर के साथ, जैसे ही 40 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो ये पार्ट टू आ जाएगा, फिर पार्ट थ्री आ जाएगा, तो इस तरीके से पार्ट चेंज होते रहेंगे, जो कि सबसे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये अभी 16 15, तो इस तरीके से आप, और ऐसे ही आप इसको M2 में अलग सेट कर सकते हैं, M3 में अलग, तो आप सोचिए कि आप कितना सब कुछ इस मशीन में कर सकते हैं, ये जादुई खजाना है मेरे दोस्त, चुरा लो पर पकड़े मत जाना, नहीं तो फेब्रुअरी बना देंगे। अच्छा था वो एक व्हील, देखो पार्ट टू में आ गए 320 21, ठीक है। अब
इसके बाद ये सेगमेंट भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद तो ये पैरामीटर आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट सीपीयू का काम डाला हुआ है, ठीक है। और ये सेगमेंट आपने देखा, सेगमेंट पे आप अपने पार्ट के हिसाब से काम डाल सकते हैं शॉर्टकट के हिसाब से। और ये कर्व है, कर्व में ये बेसिकली कर्व मोड में आपको बताएगा कि आपने कितने मोड पे और कितने पॉइंट टू पॉइंट आपको इस मोड को अपने हिसाब से सेट करना है। जैसे मैं M1 पे हूँ, ठीक है। अब M1 पे अभी ये 0.1 है, हम इसे चेंज करेंगे तो इसको दबाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे, तो जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ये कर्व ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो हीटिंग है वो सबसे पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी इस तरीके से। फिर और चेंज करेंगे तो आप इससे एयर को चेंज कर सकते हैं, ये आपने सेट किया, ठीक है। और आप अपने सेकंड को चेंज कर सकते हैं कि आपने कितने सेकंड रखना है। अब हम इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अब 0.2 आ गया, 0.2 पर हम इसको और लोएस्ट लो कर देंगे और उसको भी लो कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने कर्व को चेंज कर सकते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, इतने में आप समझ गए होंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सेव कर से आप इसको वापस हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा क्या है, आप इसको बाहर निकलेंगे, ये तो आप देखिए कि ये कर्व मोड में है, ठीक है। तो आप इससे कर्व मोड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने कर्व मोड यूज़ किया था M1 के हिसाब से, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यार देखो, टेक्निकली ये मशीन काफ़ी साउंडेड है, इसलिए चुरा लो पर हाथ मत आना। अब इसके अलावा लास्ट एंड लीस्ट इसमें क्या है, एक कैलिब्रेशन दिया है, मतलब आप इसको यहाँ पर वही अपने थर्मो सेंसर जो आपके अलग से वायर होते हैं एक सेंसर, अब उसके थ्रू इसको आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ कनेक्ट TT01, तो जिससे आप अपने कैलिब्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं और कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, कैलिब्रेट कैसे करना है एक लंबा वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं ऐड नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो टोटल ये सब कुछ आपको इस असेंबली में मिलने वाला है। सो जैसे कि आपने देखा, एक कम्प्लीट असेंबली ये आपकी होने वाली है, और मैं सच बताऊँ ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट असेंबली है। और इस SMD से एक छोटा सा IC निकाल के भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर होगा कि मेरा जो CPU है वो किस कैसा है और मेरी हीटिंग वीटिंग किस हिसाब से यहाँ पर मैंने एडजस्ट की है। तो ये एक आखिरी में छोटा सा वीडियो मैं इसमें ऐड करूँगा। तो यह SMD आपको परचेस करना है तो डायरेक्ट कंपनी का नंबर दिया है, और बड़े आदमी बनो, डीलर बनो और डिस्ट्रीब्यूटर बनो। अगर आपका चाचा मामा और भतीजे का पैसा है या कोई भी आपके घर में अच्छा पैसा है, तो आप दिल्ली वालों से मत खरीदो, सीधे चाइना से खरीदो और चाइना से इंपोर्ट करो और इसको पूरी इंडिया में बेचो। आप भी डीलर बन सकते हो, ये जितने भी डीलर हैं ये भी कोई अलग से कोचिंग या क्लास लेके नहीं आए, सिर्फ थोड़ा सा मार्केट में पैसा लगाया है और डीलर बन गए। आप भी डीलर बन सकते हो और जितना हो सकता है पैसा कमा सकते हो। ये एक बिज़नेस होता है, ये बिज़नेस आपको करना बहुत ईजिली है। अगर आप करना चाहो तो आप कंपनी से सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। और एक छोटा सा वीडियो मैं इसमें लास्ट डालूंगा, फिर मैं इस मशीन को खोल के भी आपको बताऊंगा कि अंदर के कैसे पार्ट्स हैं और बेसिकली इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे दिए हैं, इसका फ़ैन कितना बड़ा है, सारी चीज़ मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। CPU निकालेंगे, ये है A50, ठीक है, ये आप देख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हम इस मशीन को ऑन करेंगे, उसके बाद हम इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक हो गई, हम अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट करेंगे। अब हम CPU को हीट करेंगे,
ये हमारा सीपीयू निकल गया है, बहुत इजी, बिल्कुल बच्चों के जैसे। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा सीपीयू रिमूव हो गया है। तो हमने सीपीयू निकाला, पर हम ये भी बता दें ऐसा नहीं है कि सीपीयू निकाल दिया और हमारा बोर्ड हीट हो गया है या पावर चला गया। तो आप देख लो, इधर हमने अभी प्लस माइनस का जंपर, हमने प्लस माइनस का जंपर मारा है और हमने टिगर पॉइंट निकाला है। अभी मैं फिलहाल इसको टिगर करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि ये 4.2 है और अभी ये जो लोड है ये 1 है। तो अगर ये मेरा बोर्ड विदाउट सीपीयू है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने ये देखो इसका सीपीयू उतारा है, तो अगर इसका पावर ओके होगा तो ये कम से कम 25 मिली एम्पियर के अंदर पे स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो नोटिस करो, तो ये देखो 21 मिली एम्पियर और ये स्टक हो गया है। इसका मतलब मेरा बोर्ड बिल्कुल ओके है। यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए, तो ये जो है ये मेरा विदाउट सीपीयू बोर्ड जो कि 21 मिली एम्पियर पे मेरा स्टक हो गया है, जो कि बिल्कुल सही निकला है। और ये केबल हुआ है ये इस गजब की एसएमडी के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी एसएमडी है उसने मेरा सीपीयू 1 नंबर उतारा है। आपने देखा कितना स्मूथली उतर गया है। हालांकि मेरे पास और भी एसएमडी है, आप देख सकते हैं YCS की R1 है मेरे पास, सुगुन की 8650 है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत पुरानी एसएमडी है, और मेरे पास सुगुन की 858 है। तो बहुत सारी एसएमडी है मेरे पास, बट अब जो मेरी प्राइमरी एसएमडी होने वाली है वो ये होने वाली है। थैंक यू।